हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जब किसी इंसान को गोली लगती है तो वो इंसान तुरंत ही जमीन पे गिर के मर जाता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी एक बंदूक की गोली इंसान की जान ले सकती है क्या? आज के दौर में दुनिया में जितने भी बड़े क्राइम हो रहे हैं उसमें बुलेट यानी कि गोली की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात चाहे डोमेस्टिक वॉर की हो या दो देशों के बीच किसी वॉर की, हर लड़ाई में आपको बंदूक और उससे निकलती हुई गोलियां जरूर दिखाई देंगे। बंदूक की गोली का इंसानों के अंदर इतना डर है कि अगर किसी इंसान की कनपट्टी पर बंदूक रख दी जाए तो वो उस इंसान को तमंचे पे डिस्को करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर असलियत में किसी को गोली लग जाए या कोई किसी को गोली मार दे तो उस इंसान की मौत कैसे होती है, और क्या गोली लगने के बाद भी किसी इंसान को बचाया जा सकता है क्या? दोस्तों, आज हम आपको बंदूक की गोली से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अहम बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने होंगे। इसलिए दोस्तों, इस मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, बंदूक की गोली से इंसान की मौत क्यों हो जाती है, ये समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर ये छोटी सी गोली किसी बंदूक के अंदर से इतनी तेजी से कैसे बाहर आती है कि उसके सामने वाले को कुछ सोचने और खुद को बचाने तक का मौका नहीं मिलता। दरअसल फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली गोली के तीन हिस्से होते हैं। इसके आगे का हिस्सा जो नुकीला होता है उसे ही बुलेट कहा जाता है, और यही वो चीज है जो इंसान के शरीर के अंदर घुस के उसे गंभीर चोट पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई गोली के सामने वाले हिस्से की बात। अब इस बीच वाले हिस्से की भी बात कर लें तो इस वाले पार्ट को केस या खोखा भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि शायद इसमें कुछ रखा या भरा जाता होगा, और इसलिए इसका इस्तेमाल बारूद भरने के लिए किया जाता है। दोस्तों, गोली के सबसे पिछले वाले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है जो कि फायरिंग के वक्त बारूद में विस्फोट करता है। दोस्तों, अगर हम आपको फायरिंग की पूरी प्रक्रिया बताएं तो असल में जब फायरिंग की जाती है तो उस वक्त गोली का खोखा बंदूक से निकलकर वहीं गिर जाता है और बुलेट बंदूक से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बंदूक के आगे का हिस्सा जिसे बुलेट कहते हैं वो लेड या शीशे का बना हुआ होता है। अब ये लेड या शीशा क्या होता है और ये कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोली एक छोटे से मिसाइल या रॉकेट की तरह होते हैं। जिस प्रकार रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम का होता है और बाकी का हिस्सा मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक वैसे ही गोली के साथ भी कुछ इस तरह ही होता है। गोली के बुलेट केस में खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे गन पाउडर भी कहते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास बिंदु जिसे प्राइमर कहते हैं उस पर जबरदस्त प्रहार करते हैं। इस प्रहार से बुलेट केस का प्राइमर में लगा स्प्रिंग भी सक्रिय हो जाता है और घर्षण पैदा करने लगता है। इस घर्षण से गन पाउडर में बड़ा ही खतरनाक विस्फोट होता है जिसकी वजह से बुलेट को एक जोर का धक्का आगे की ओर लगता है। ऐसा होने पर यह बुलेट ऐसे गर्म होकर फैलता है जिससे इसके बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है, और गन पाउडर के विस्फोट के कारण बुलेट बुलेट केस से आजाद होकर आगे चली जाती है। दोस्तों, ये सारे जतन इसलिए किए जाते हैं ताकि बुलेट को ऊर्जा मिल सके और वो बड़ी तेजी से अपने टारगेट को हिट कर सके। शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि पहले हम बुलेट को रॉकेट क्यों कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह रॉकेट में पीछे फायर करके इसे ऊपर उड़ाया जाता है ठीक उसी तरह बुलेट के प्राइमर में दबाव डालकर चिंगारी पैदा की जाती है ताकि गन पाउडर में आग लग सके और बुलेट डायरेक्ट अपने निशाने की तरफ बढ़ सके। दोस्तों, अब अगला सवाल ये आता है कि गोली लगने से आखिर मौत क्यों और कैसे होती है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको शायद ये बात तो समझ में आई गई होगी कि बुलेट के ऊपर कोई जहर नहीं लगा हुआ होता है, बल्कि वो तो सिर्फ एक फोर्स की वजह से अपने निशाने की तरफ निकलते हैं, और इसी फोर्स की वजह से इंसान के आंतरिक अंगों पे भी नुकसान होता है, क्योंकि गोली लगने से शरीर में हो रहा ब्लड फ्लो गोली लगने वाले हिस्से में रुक जाता है और वहाँ मौजूद ब्लड बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि बुलेट हड्डियों के बीच में फंस जाते हैं और फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। पर सबसे नाजुक हालत तो तब होती है जब बुलेट सिर या दिल पे लगते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक अंग होते हैं जो कि काफी ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन एक भी सेकंड के लिए रुक जाए तो इंसान की मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि फिल्म वगैरह में जब किसी की मौत होती है तो गोली या तो उसके सिर पे लगी होती है या फिर सीने पर, क्योंकि और कहीं गोली लगने की वजह से इंसान बच सकता है, लेकिन सिर या सीने पर गोली लगने से किसी इंसान का बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको शीशे या लेड के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, हालांकि इससे मौत होने की संभावना कम होते हैं। वैसे आपको बता दें, अगर किसी इंसान की गोली लगने की वजह से मौत हुई है तो उसकी मौत के कई रीजन हो सकते हैं,
बुलेट तेज रफ्तार के साथ एकदम सीधी किसी इंसान के शरीर के अंदर घुसती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली जिस्म की खाल और शरीर के अंदर के अंगों को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। कई बार ये गोली हड्डी से टकराकर शरीर में भी धसी रह जाते हैं। ऐसे में गोली लगने पर शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ज्यादा खून बह जाने पर इंसान की मौत भी हो जाती है। कई बार ऐसे पार्ट पे गोली लग जाती है जिससे तुरंत ही शरीर इनएक्टिव होने लगता है, जैसे अगर किसी के दिल या दिमाग पे गोली लग जाए तो उस इंसान की वहीं पर मौत हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कई बार गोली लगने से इंसान की मौत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब बुलेट शरीर के अंदर घुसती है तो ये इतनी गर्म हो जाती है कि शरीर के उस हिस्से को डैमेज करने लगते हैं। अगर डैमेज हुए शरीर के उस हिस्से का तुरंत इलाज ना हो तो इंसान की मौत भी हो जाती है। दरअसल जब भी गोली लगती है तो शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ज्यादा खून निकलना भी मौत की एक वजह बन सकता है। और खास बात तो यह है कि कई बार गोली ऐसे पार्ट में लग जाती है जहाँ थोड़ा ज्यादा खून निकलते ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, साथ ही इससे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज यानी अगर कोई जरूरी अंग डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है जो कि एक और गोली की वजह से मौत होने का कारण बन सकता है। वैसे तो गोली और बंदूकबाजी से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर धोखे से या एक्सीडेंटली आपको गोली लग जाए तो उस जगह पर बैंडेज कसकर बांध दें। इससे होगा ये कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा, मान लीजिए अगर किसी को सीने में या किसी ऐसी जगह पे गोली लगती है जहाँ पे बैंडेज नहीं बांध सकते तो वहाँ पर कंप्रेशन बैंडेज ही करना पड़ेगा या फिर उसको दबाकर ही रखा जा सकता है। हर इंसान को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी ऑन द स्पॉट गोली निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि एक्सपर्ट और डॉक्टर की जल्द से जल्द हेल्प लेनी चाहिए। दोस्तों, ये बंदूक की गोली भले ही बहुत तेज रफ्तार के साथ बंदूक से निकलते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि बंदूक के अंदर से बहुत तेज रफ्तार से निकलने वाली इस गोली की रफ्तार को 10 पानी से भरे हुए गुब्बारों की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक्सपेरिमेंट सुनने में शायद आपको अजीब और इम्पॉसिबल लग रहा हो, पर ये सच है और ऐसा हो भी चुका है। असल में हुआ यूं कि एक शख्स ने बंदूक की गोली की रफ्तार को रोकने के लिए 10 पानी से भरे हुए गुब्बारों को एक लाइन से टांग दिया और कुछ दूरी से इन टंगे हुए गुब्बारों पर गोली चला दी। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये गोली सिर्फ 3 गुब्बारों पर ही छेद कर पाई। चौथे गुब्बारे तक आते आते इस गोली की तेज रफ्तार ने अपना दम तोड़ दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने के बाद आप ये मत सोचने लगिएगा कि आपको भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक और जोखिम भरा काम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आखिर बंदूक की ये छोटी छोटी गोलियां बनती कैसे हैं और इन छोटी गोलियों के लगने की वजह से आखिर कैसे किसी की भी मौत हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस तरह की वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।